अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले, और कीमा जो मैंने लिया है वो चिकन का लिया है। मैंने ये ऑयल ले लिया है 4 टेबल स्पून, और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी गोल्डन। ये देखें प्याज हमारी कच्ची पक्की हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी इलायची और 8-10 काली मिर्चें साबुत। इसमें और इसी के साथ में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी इसके अंदर 3-4 मिनट। ये लहसुन अदरक फ्राई हो गया। मैं इसमें डाल रही हूँ ये कीमा चिकन का, ये मैंने 1 किलो लिया है। इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, और इसके अंदर मैं भूनूंगी अच्छी तरीके से इसको 4-5 मिनट। ये देखें कीमा मेरा अच्छी तरीके से भून गया है। जितना भी कीमे का पानी था वो सब डिजॉल्व हो गया है। ये देखें ज़रा सा भी पानी नहीं है, इतना अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है 5 मिनट इसको। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और टमाटर को भी मैं अच्छी तरीके से इसमें भूनूंगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखें टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया और ये सॉफ्ट हो गए, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ मसाले। ये है नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया, काली मिर्चें। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ये हाफ लिया है, ये 1 टेबल स्पून लिया है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। ये 6-7 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको मैंने इस तरह काट लिया है टुकड़ों में। अब ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये मसाले, और इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी। ये देखिए मैंने मसाला डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लिया, अब ये भून रहा है। अब मैं करेलों की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, ये करेले ले लिए थे, इसको अच्छी तरह धो लिया था, फिर इस पर नमक लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, फिर उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया मैंने, इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ। ये देखें हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि करेले हमारे मसाले में फीके ना, थोड़ा सा ही डालना है। अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। ये देखें करेले हमारे फ्राई हो गए, मैंने इसको हल्का हल्का ब्राउन सा कर लिया है। यहाँ हमारा कीमा भी अच्छी तरह से भून गया है, देखें कितना तेल ऊपर आ गया है। अब मैं ये फ्राई हुए कीमे सारे करेले इसमें डाल दूँगी कीमे के अंदर, और इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक किया करें मेरी वीडियोस को, शेयर किया करें, कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। मैं इसको अच्छी तरह भून के थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी ताकि ये गल जाए। ये देखें मुझे करेले डाल दिए थे मैंने इसमें, और इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए, मैंने अच्छी तरीके से भून लिया इनको। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि करेलों में भी मसाला आ जाए और ये थोड़े से गल जाए। 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, और दम वाली आँच पे रख रही हूँ इसको। और मैं इसमें डाल रही हूँ ये हरी मिर्चें, और इसको दम पे रख दूँगी ताकि करेले गल जाए हमारे। ये देखें मसाला हमारा भून गया है, करेले हमारे अच्छे से गल गए हैं, ये देखें। और मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून गया, तेल ऊपर आ गया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें करेले कीमों का खाना लोग, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।